ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, क्योंकि ये हर साल एक इवेंट होता है जापान में, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए क्योंकि ये जापान रिलेटेड इवेंट जो मैं सारी दुनिया में करता हूँ, ये एक पहली बार जापान में मुझे इनविटेशन आया है वहाँ पे, और सारी दुनिया के डीजेज वहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री को, और पहली बार हिंदुस्तान का नाम वहाँ पर आया है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान से चूज़ किया गया हूँ इस पर्टिकुलर मकसद के लिए और वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए एक ग्लोबल स्टेज के लिए, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं सारी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो इस डे ऑफ सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस नॉट ओनली फॉर मी, फॉर ऑल माय फैंस, फॉलोअर्स, माय फैमिली एंड द एंटायर कंट्री। सर, किस तरह के इस पे नंबर रहेंगे, किस तरह का वापी मुझे, क्या तैयारियां हैं उसके लिए, तो अपने देश का एक नेतृत्व करने जा रहे हैं? मैं कम से कम 4 हफ्ते से तैयारी कर रहा हूँ इसकी, और इनिशियल जो मेरा जो ओपनिंग ट्रैक होगा वो होगा वंदे मातरम, और बिकॉज मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वहाँ से देन मैं ग्लोबल म्यूज़िक प्ले करूँगा जो सारी दुनिया में बजता है, दिस हाउस म्यूज़िक, EDM म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक, मर्जिंग आर म्यूज़िक विद देयर म्यूज़िक, सो इट्स लाइक मर्जिंग कल्चर्स, मर्जिंग म्यूज़िक एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स हु बीन कॉलिंग अप फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अटेंड करने आ रहे हैं वहाँ पर जापान में, तो इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। सर, आपके साथ और कितने लोग हैं जो जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं? हिंदुस्तान से मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ। कितना एक्साइटमेंट है आपके लिए? मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब दिल खुश हो गया है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, स्टेज पर खड़ा हूँ जहाँ इतने सारे हज़ारों डीजेज हैं हमारी कंट्री में, और शायद वो हार्ड वर्क है या मेरी माँ की दुआ है कि मुझे पिक किया गया है इस पर्टिकुलर कॉज और इस काम के लिए। शायद हम सबको पता है कि रजनीकांत एक बहुत बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे जिसको लोग पसंद करते हैं, और हमारी म्यूज़िक हमारी फिल्में वहाँ पे आस्ते आस्ते बढ़ रही हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो अब ये हुआ है कि ये एक अलग स्टेप है कि आज एक डीजे यहाँ पर हिंदुस्तान से उन्होंने सेलेक्ट किया है कि वहाँ पर ग्लोबल स्टेज के ऊपर मुझे वहाँ पर प्रजेंट करना, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक फीलिंग। कुछ खास नंबर सर? हाँ जी, कोई खास नंबर आप तैयार किए उसके लिए कुछ? मैंने कहा कि मेरा पहला ट्रैक जो है वो वंदे मातरम है, उसके बाद रंग दे बसंती होगा, उसके बाद जलवा होगा, और उसके बाद जलवे होंगे। ज़्यादा कोई गुनगुनाएंगे सर एक लाइन? कौन सा गुनगुना? एक गाना अपने अपने देश के लिए डेलीगेट करने जा रहे हैं बात, कोई एक गाना गुनगुनाएंगे? अब कुछ ध्यान में एकदम से आप पूछोगे तो कुछ नहीं आएगा, कोई सजेस्ट करो यार। वो ओपनिंग ट्रैक है एहार रहमान का, कंपोज किया गया हुआ, तो उससे मैं ओपनिंग करूँगा, और फिर जो दूसरे हमारे जो मेरे एल्बम के ट्रैक से काफ़ी फिल्मी एक लाइन सर। देखो देखो ये है जलवा, well it's on and on and on and on and on like a hot boy, the pop, the pop, the pop, the baby, the pop, the pop, pop, you don't stop, come alive, yo, give me what you got, come on, thank you very much। डीजे की बात करें कि विदेशों में नहीं, हिंदुस्तान में भी डीजे काफी मार्केट बढ़ गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहले कुछ बाहर के थिरकते थे विदेशी गानों पर, हिंदुस्तान में बहुत कम था पहले, यहाँ पर वो कल्चर ही नहीं था, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर जॉनर है ये वेस्ट से आया हुआ है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ है जहाँ डीजेइंग की बात करेंगे हम, और आस्ते आस्ते ये मुझे पता था, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन सेलेक्ट किया था मिड टू लेट 80s में, जहाँ मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 डीजेस थे सारी कंट्री में, और वो जो डीजेस जो काम कर रहे थे वो देवर लुकिंग फॉर अ जॉब ऑप्शन, उनको कुछ ऐसा काम करना था जो जिससे उनका फ्यूचर बने, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि डीजेइंग करके वो कहीं पहुँच सकते हैं, कि कोई फ्यूचर हो सकता है, तो अब जाकर एक प्लेटफॉर्म मिला है
और इस तरह की चीज़ें हो रही है कि सारी दुनिया की आंखें हमारे ऊपर है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि ये एक रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री को, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉलीवुड म्यूज़िक है, तो बॉलीवुड म्यूज़िक को हम रिप्रेजेंट करते हैं सारी दुनिया में और ये चीज़ एक मद्देनज़र रखने के काबिल है, लायक है और लोगों को, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को जो भी बॉलीवुड से कनेक्टेड है उनको इस पर थोड़ा सा जहन और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि डीजेइंग एक चीज़ है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉलीवुड का और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। थैंक यू। विजुअल ले लो, एक मिनट सर, विजुअल भी। लाइव वायर में क्या था सर आपका? हाँ, लाइव वायर। एक सेकंड सर, एक मिनट राजू। लाइट चालू कर, ले लियो ना दिमाग में। Are you going to ask the questions? Light jala dena beta, kya dikkat? Dilwa de. Introduction. Hi guys.